देश में दिखाई पड़ रहा है। पांच चरणों पर वोटिंग हो चुकी है, दो चरण बाकी हैं। इन सबके बीच में हर शहर की, हर सीट की, हर जिले की अपनी कहानी है, हर सीट का अपना इतिहास है। और इस खास प्रोग्राम में मैं मेघा लेकर हाजिर हूं सुल्तानपुर का इतिहास। उत्तर प्रदेश के गोमती तट पर स्थित सुल्तानपुर, एक वक्त था जब इस सुल्तानपुर पर एक के बाद एक लगातार कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाए रखा। एक वक्त था जब इस सुल्तानपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। उसके बाद सुल्तानपुर की हवा बदली। कभी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, कभी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, और सुल्तानपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत की हैट्रिक दर्ज करा चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में सुल्तानपुर का इतिहास काफी ज्यादा रोमांचक रहा है। आज इस खास प्रोग्राम में हम सुल्तानपुर के मिजाज पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, और ये मिजाज सिर्फ लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये मिजाज 1970 से शुरू होकर 1968 तक शुरू होगा, और उसके बाद पहुंचेगा 2014 में, जब इस सीट पर वरुण गांधी ने अपनी जीत दर्ज कराई। और 2019 को लेकर सुल्तानपुर की जनता क्या कहती है, 2019 को लेकर जब यहाँ पर मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, संजय सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, और चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू गठबंधन की ओर से बतौर उम्मीदवार है। मुकाबला यहां पर टक्कर का है, आप किसी को भी कमजोर आंक नहीं सकते। सुल्तानपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है, एक ऐसा क्षेत्र है सुल्तानपुर, जहां पर उम्मीदवारों को अगर आप रिपीट करेंगे तो जीत आपके नाम नहीं आएगी। ऐसा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। सुल्तानपुर में अब तक जितनी भी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो बहुत ही कम बार ये देखा गया है कि वो अपने उम्मीदवारों का चेहरा रिपीट करें। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सुल्तानपुर में वो अपनी जीत हमेशा आसान मारकर चलती है। हालांकि साल 2014 में कांग्रेस पार्टी सुल्तानपुर की सीट पर चुनाव हारी है। इन सबके बीच में सुल्तानपुर के इतिहास से आपको रूबरू करवाते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं 2019 में क्या मुश्किलें मेनका गांधी को सुल्तानपुर की जीत के रास्ते में मिलने वाली है। सुल्तानपुर, गोमती नदी के तट पर बसे सुल्तानपुर, आज इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। बता दें आपको, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुल्तानपुर का स्थान काफी ज्यादा अहम रहा। राष्ट्रीय चेतना के विकास में सुल्तानपुर का ऐतिहासिक योगदान रहा। परिवर्तन के नियमों के अनेक झंझावातों को झेलने के बाद सुल्तानपुर का अस्तित्व हमेशा बना रहा। पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव 2014 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी को जीत हासिल हुई। 410,348 वोटों से वरुण गांधी जीते। दूसरे नंबर पर बसपा के पवन पांडे थे, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के शकील अहमद। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट पर 56.64% मतदान हुए। बता दें आपको, 1957 से लेकर 1971 तक लगातार सुल्तानपुर की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, इसलिए सुल्तानपुर को एक वक्त पर अमेठी और रायबरेली की तरह कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी कहा जाता था। 1977 में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी जुल्फिकार उल्लाह ने इस सीट को जीता। 1980 और 1984 में फिर से ये सीट कांग्रेस के पास गई। 1989 में इस सीट से जनता दल के राम सिंह को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद 1991, 1996 और 1999 तक लगातार सुल्तानपुर पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1999 और 2004 में इस सीट पर लगातार दो बार बसपा का कब्जा रहा। 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस को इस सीट से जीत दिलाई।
और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सुल्तानपुर पर कब्जा कर लिया। वरुण गांधी भारी मतों से यहां जीते और देश की संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खुला है। इस बार की बात करें यानी लोकसभा चुनाव 2019 की, तो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर वरुण गांधी की मां मेनका गांधी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इस सीट पर उन्हें टिकट दिया गया है। उनके सामने कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह हैं और सपा बसपा गठबंधन से ये सीट बसपा के खाते में गई, जिससे चंद्रभद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के विश्वनाथ शास्त्री को अगर छोड़ दें तो कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो इस सीट से दोबारा चुनाव जीता हो। विश्वनाथ शास्त्री इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सुल्तानपुर की सीट पर एक से ज्यादा बार चुनाव जीता है। कांग्रेस का इस सीट पर कई वर्षों तक कब्जा भले ही रहा हो, लेकिन प्रत्याशी हमेशा अलग अलग रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में ये बात आपको बता दें कि यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें इसौली, सुल्तानपुर, सदर, कादीपुर और लंबुआ सीटें शामिल हैं। फिलहाल 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली हैं और 1 सीट सपा के खाते में है। अगर बीते चुनाव के आधार पर विश्लेषण करें तो इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों पर गठबंधन भारी पड़ सकता है। पिछले चुनाव में अगर सपा और बसपा के वोटों को जोड़ दिया जाए तो वरुण गांधी को मिले मतों से अधिक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो विधानसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, सिर्फ 1 सीट पर सपा का कब्जा है। मेनका गांधी के मैदान में आने से ये सीट VIP हो गई है, पर यहाँ नए समीकरण बन सकते हैं। लड़ाई कांटे की आज भी सुल्तानपुर में है और इन सबके बीच में सुल्तानपुर की जनता क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। सुल्तानपुर की जनता का मत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विकास के साथ जाएगा। बता दें आपको, सुल्तानपुर की सीट पर महिला नेताओं का इतिहास कुछ खास नहीं रहा। सुल्तानपुर की सीट पर महिला नेताओं को हमेशा ही बुरी खबर मिली है। सुल्तानपुर की सीट पर महिला नेताओं का इतिहास बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है और इन सबके बीच में लोगों का ये कहना है कि मेनका गांधी धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति कर रही हैं और इस बार ऐसी राजनीति को हम आगे नहीं जाने देंगे।